का बांस। जी हाँ, सही सुना आपने, बांस यानी बैम्बू। बैम्बू से तैयार किया गया बैम्बू क्रैश बैरियर। भारत ने इस खास बैम्बू क्रैश बैरियर को बैम्बू से तैयार किया है। इसका नाम बाहुबली रखा गया है, जो स्टील का एक अच्छा विकल्प है। बांस के बने इस क्रैश बैरियर के साथ ही भारत ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। ये क्रैश बैरियर मेटल का एक अच्छा विकल्प है, जो भारत के बैम्बू सेक्टर को काफ़ी फायदा पहुंचाएगा, वहीं पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी लाभकारी है। बैम्बू क्रैश बैरियर की एक और खासियत इसकी 50-70% तक की रिसाइकल वैल्यू होती है, जबकि मौजूदा समय में इस्तेमाल में लाए जाने वाले स्टील क्रैश बैरियर की वैल्यू 30-50% तक की है। बाहुबली क्रैश बैरियर को खास तरह के बांस से बनाया जाता है। इसके लिए बंबूसा बल्कुआ प्रजाति के बांस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसे क्रियोसोट तेल से ट्रीट किया जाता है और फिर इस पर हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन HDPE की एक परत चढ़ाई जाती है। ये क्रैश बैरियर न सिर्फ दुनिया में अपनी तरह का पहला है, बल्कि इसकी कई खूबियां इसे खास बनाती है। ऐसा पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में वानी वरोरा हाईवे के पास लगाया गया है। विश्व के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर के विकास के साथ आत्मनिर्भर भारत अर्जित करने की दिशा में एक असाधारण उपलब्धि हासिल की गई है। इस बैम्बू क्रैश बैरियर, जिसका नामकरण बाहुबली किया गया है, इसका इंदौर के पीतमपुर के नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स जैसे विभिन्न सरकारी संस्थानों में कड़ा परिश्रम किया गया और रुड़की में आयोजित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान SBRI में संचालित फायर रेटिंग टेस्ट के दौरान इसे क्लास 1 का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त इसे इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा भी मान्यता प्रदान किया गया है। इस बैरियर को बनाने में प्रयोग किए जाने वाली बांस की प्रजाति बंबूसा बल्कुआ, जिसे क्रियोसोट तेल से उपचारित किया गया है और उच्च घनत्व पॉलीइथाइलिन HDPE के साथ लेपित किया गया है। ये उपलब्धि बांस क्षेत्र और समग्र रूप से भारत के लिए उल्लेखनीय है, क्योंकि यह क्रैश बैरियर स्टील का एक आदर्श विकल्प प्रदान करता है और पर्यावरण संबंधी चिंताओं और उनके परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अतिरिक्त यह अपने आप में एक ग्रामीण और कृषि अनुकूल उद्योग है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रदान करता है।